पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, अगर बेरोजगारी की बात की जाए तो बिहार में सबसे ज्यादा है। तमाम जो लोग अगर आवाज उठाते हैं और या फिर किसी भी मुद्दे पे बात की जाती है तो ये आती है कि बिहार में बेरोजगारी, पलायन बहुत ज्यादा है। कोई भी अगर बोले तो बिहार के लोग बाहर जाते हैं काम करने। लेकिन अब बिहार के लिए एक अच्छी खबर सामने निकल कर आई है। आपको बता दें, अडानी ग्रुप, जो सबसे बड़े इन्वेस्ट मेकर या फिर बिजनेसमैन जाने जाते हैं, वो अब बिहार के नवादा में अब इन्वेस्ट करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि इससे कितना रोजगार मिलेगा और कितने युवाओं की बेरोजगारी दूर होगी। देखिए, जिस तरीके से सीएम नीतीश ने भी अपना टारगेट रखा है कि 12 लाख युवाओं को नौकरी वो विधानसभा से पहले देंगे, और अब इसी क्रम में वो नियुक्ति पत्र बांट भी रहे हैं। तो अब एक बार अडानी ग्रुप की तरफ से ये चीज आई है कि नवादा में जो है अब एक कंपनी का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, कुछ पैसे इन्वेस्ट करके एक कंपनी ग्रो की जाएगी, जिससे कि अब युवाओं को वहां रोजगार मिलेगा। सीएम नीतीश खुद इसका उद्घाटन करेंगे। देखिए, आपको विस्तार से ये खबर बताते हैं। बिहार के नवादा जिले के वारसलीगंज क्षेत्र में अडानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के सीमेंट प्लॉट का शिलान्यास 29 जुलाई 2024, यानी कि अभी से कुछ दिन बाद किया जाएगा। यह शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। यह जानकारी उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पॉड्रिक ने दी। वहीं उन्होंने बताया कि 6 एमएमटीपीए क्षमता वाली इस प्लांट की अनुमानित लागत 1400 करोड़ रुपए है। इस प्लॉट में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं इस सीमेंट प्लॉट के निर्माण के लिए बियाडा के वारसलीगंज में बंद पड़ी चीनी मिल की 72 एकड़ जमीन अडानी ग्रुप को उपलब्ध कराई गई है, जिस पर अंबुजा सीमेंट की ग्रेडिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। इस प्लॉट के निर्माण के प्रत्यक्ष रूप से 1000 लोग को रोजगार मिलेगा और अप्रत्यक्ष रूप से 5000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। वहीं इस सीमेंट फैक्ट्री के उद्घाटन समारोह के लिए मुख्यमंत्री खुद नीतीश कुमार नवादा पहुंचेंगे, जिसके लिए प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई है। बुधवार को अंचल जिलाधिकारी राजेश कुमार और नगर परिषद वारसलीगंज के कार्यपालक पदाधिकारी समीर कुमार के संयुक्त नेतृत्व में शहीद चंदन सिंह चौक से चीनी मिल तक मुख्य सड़क को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। इस दौरान दुकानों के आगे की जमीन पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को सख्ती से हटाया गया। वहीं अब ये भी बताया जा रहा है कि 29 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चीनी मिल परिसर में लगने वाले सीमेंट फैक्ट्री के लिए भूमि पूजन करने पहुंचेंगे। इसके लिए शहीद चंदन सिंह चौक से लेकर कार्यक्रम स्थल के बीच अस्थायी दुकान लगाने वाले सभी दुकानदारों को पूर्व में ही सूचना दे दी गई है। सूचना के बावजूद जिन लोगों ने इस आदेश की अनदेखी की, ऐसे दुकानदारों को सख्ती से निपटाया गया है और अतिक्रमण हटाने से अधिकारियों ने कोई कोताही नहीं बरती। इस दौरान पुलिस बल के साथ कई अधिकारी और कर्मी मौजूद थे। तो देखिए, सीएम नीतीश खुद इसके लिए पहुंचने वाले हैं। पूरी खबर हमने आपको विस्तार से बताया कि सीएम नीतीश 29 जुलाई को अब जो है वहां पहुंचेंगे। और आप सोचिए, अगर इतनी बड़ी कंपनी अगर नवादा में इन्वेस्ट करती है तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री है, अगर कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और पलायन जो है बिहार से दूर हो जाएगा। वहीं मोदी सरकार भी जो है अब बिहार से पलायन हटाने के लिए काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। तो सीएम नीतीश खुद यहाँ एक्शन में नजर आ रहे हैं। सीएम नीतीश खुद यहाँ पहुँचेंगे नवादा और भूमि पूजन करेंगे, और ये कंपनी फिर जितना ग्रो करेगी उतने लोगों को रोजगार दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।